हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवी नाइन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है द बिग बुल की स्टार कास्ट, अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज, निकिता दत्ता एंड डायरेक्टर कुकी गुलाटी। आप सबका स्वागत है टीवी नाइन में। थैंक यू। थैंक्स। अभिषेक, सबसे पहला सवाल आपसे, फिल्म का ट्रेलर देख के कितनी संतुष्टि हुई आपको? बहुत संतुष्टि हुई। जब भी आपका काम सराहा जाए अच्छा तो लगेगा ही। नर्व्स तो हमेशा रहेंगे क्योंकि जब हमारा ट्रेलर पहली बार निकला है तो पहली बार होता है जो आप अपना काम जो है दिखाने जा रहे हैं विश्व भर को। अच्छा लगा क्योंकि जो रिस्पॉन्सेस हमें मिले हैं बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिंग हैं। और बस अभी देखना ये है कि 8 तारीख को जब पिक्चर रिलीज होगी डिज्नी हॉटस्टार पे तो लोगों को पिक्चर भी अच्छी लगे या नहीं। एक दिलचस्प बात अभी जो सामने आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने इसका ऑडिशन नहीं दिया था, अगर ऑडिशन देते तो कुकी गुलाटी आपको रिप्लेस कर देते। कितनी सच है ये बात? मेरा मानना है कि सच इसलिए तो मैंने बोला है, लेकिन वो आप कुकी से पूछिए अगर वो मुझे रिप्लेस करते या नहीं। ये आपका नहीं क्या डॉक्टर रिएक्शन है इस पे, कुकी जी? नहीं, इससे जो इन्होंने प्ले किया है ये कैरेक्टर को, आई थिंक जो लेवल पे ले गए हैं अभिषेक, इसका तो मींस रियली एज अ जेन्युइनली बोलूं तो इसका कोई तुलना नहीं है। तो ऑडिशन रिप्लेस करना तो बस मैं वही होता था कि बस ये हमारी मेरी पिक्चर कर ले, मैं कौन होता हूँ। जी अभिषेक, आपका जो इसमें कैरेक्टर है, इसकी तुलना आप ही की फिल्म गुरु के कैरेक्टर से की जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं इस कंपैरिजन को, क्योंकि गुरु आपके करियर का माइलस्टोन माना जा रहा है, और इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है, आपके हिसाब से कोई भी सिमिलैरिटी है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिमिलैरिटीज है। और तुलना करना, कंपैरिजंस करना, उस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अगर ध्यान दूं तो फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। और मेरा काम है एक्टिंग करना, तो मैं एक्टिंग पे ध्यान दूंगा। जो कंपैरिजंस करने वो हमारे दर्शक आप लोग करें। इलियाना, पहली बार आप किसी फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका में नजर आएंगी, कैसा रहा आपका अनुभव और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए किरदार? बहुत ही अच्छा रहा होल एक्सपीरियंस। मुझे पता था कि इट वुड बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर श्योर, बट इतना चैलेंजिंग होगा आई हैड ऑनेस्टली नो आइडिया। तो आई फील कि एवरी डे इन अ वे वॉज लाइक अ टेस्ट फॉर मी, एंड आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। बट प्लेइंग अ जर्नलिस्ट, और वो भी यू नो एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, वेयर आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड, काफ़ी चैलेंजिंग रहा। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट फॉर मी दैट मेड माई वर्क थोड़ा इजियर, इफ आई मे से सो, इज द राइटिंग। दैट वॉज एक्सट्रीमली सॉलिड। तो मुझे कुछ होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ा, एंड आई डिडंट रियली नीड टू डू एनी रिसर्च ऑफ एनी सॉर्ट। एंड ऑफ कोर्स कुकी वॉज अ मैसिव सपोर्ट ऑन सेट, तो ही वॉज देयर गाइडिंग मी थ्रू आउट। निकिता, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा अभिषेक के साथ, इलियाना, कुकी, सबके साथ? जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑफ कोर्स मेरे लिए पहली बार है जब मैं इन सब के साथ काम कर रही हूँ। तो आई थिंक ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवर वी हैव डन विद द कैरेक्टर एंड व्हाट एवर वी हैव डन विद द स्क्रिप्ट, एक बहुत हंसी खुशी का माहौल रहा है सेट पर। तो हमेशा जब शूटिंग खत्म होके घर आते थे तो बहुत खुश आते हैं, क्योंकि हमेशा मजा आया है काम करके। इवन इन बिटवीन जब शॉट्स नहीं हो रहे होते हैं तो सबके साथ बात करके जानकर बहुत अच्छा लगा। जी कुकी जी, इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है, इसकी कम इसका इसका कंपैरिजन दूसरी वेब सीरीज से किया जा रहा है, स्कैम 1992। इस फिल्म का एटीट्यूड या इसका अप्रोच, उसकी बात करें तो किस तरह से अलग है स्कैम से? आपने आपके सवाल में ही जवाब है। ये फिल्म है, वो वेब सीरीज है। तो जो फिल्म का ही अप्रोच होता है वही अलग, ऑलरेडी इट सेट्स इट अपार्ट। तो आई थिंक आपके सवाल में ही जवाब है। अभिषेक, आपका कंपैरिजन प्रतीक गांधी के साथ भी किया जा रहा है, आप किस तरह से लेते हैं इसे? अरे जवाब तो दे दिया मैंने आपको, मैं प्रतीक कंपैरिजंस पे गांधी ध्यान नहीं देता हूँ। आप मुझे
अमिताभ बच्चन से कंपेयर करें या प्रतीक गांधी से कंपेयर करें, मेरा उसके बारे में सोचने से क्या होने वाला है, मुझे अपना काम करना पड़ेगा। मैंने स्कैम 1992 देखी है, प्रतीक का काम बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत ही अच्छा, और सिर्फ प्रतीक का ही नहीं जितने सारे एक्टर्स थे। मैं बस यही चाहूंगा कि जो हम सोचते हैं स्कैम 1992 के बारे में, स्कैम 1992 के क्रू और कास्ट भी हमारी फिल्म के बारे में ऐसे ही सोचें। हमने जो कुछ भी किया है हम अपने हिसाब से किया है, और मैं बधाई देना चाहूंगा प्रतीक को, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, बधाई दूंगा आगे आने वाले काम के लिए कि वो इतना अच्छा काम करते रहें। और हम सिर्फ अभी थिएटर में ज्यादा ध्यान देते हैं, हाल ही में धीरे धीरे फिल्मों में भी आ रहे हैं, सिर्फ गुजराती सिनेमा में भी नहीं लेकिन हिंदी फिल्मों में भी, और स्वागत है उनका खुले आम से। जब एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर कोई फिल्म बनती है तो वो किरदार जब आप निभाते हैं फिल्मी पर्दे पर, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है आपके लिए, क्योंकि इस फिल्म में भी वैसा ही है? नहीं, इस फिल्म में ऐसा नहीं है मैम, इस फिल्म में हमने एक ड्रामेटाइज टेलिंग ऑफ द स्टोरी की है, इसलिए अगर आप प्रोमो भी देखें हमने कहा है कि बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स, हमने ये कहीं नहीं कहा है कि ये एक ऐसे प्राणी पे पिक्चर बनाई है हम लोगों ने, और ये कॉन्शियस डिसीजन था क्योंकि हम चाहते थे कि हम एक फिक्शनलाइज ड्रामेटाइज स्टोरी सुनाए और दिखाएं अपने दर्शकों को। हाँ जी, आप बिल्कुल सही है जब आप बोलते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहती है, जब आप एक बायोपिक कर रहे हैं तब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, क्योंकि आप जो इतिहास में रचा गया है वो आप बदल नहीं सकते। अभिषेक, सबसे पहले आपने इस फिल्म का प्रोमो मोबाइल में देखा, उस वक्त ऑलरेडी कोरोना वायरस का दौर शुरू हो चुका था, तो कैसा आपका रिएक्शन रहा? क्योंकि कुकी जी का रिएक्शन जो है वो थोड़ा शॉकिंग रहा, ये ऐसा हमने सुना है। नहीं, एक्चुअली नीरू जी, ये जो प्रोमो है कुकी ने मुझे बड़े पर्दे पे दिखाया था, हम लोग इस फिल्म की डबिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे प्रोमो बड़े पर्दे पे दिखाया था, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि पहली बार जब इसे देखा मैंने अपने मोबाइल पे देखा। मोबाइल पे किसी से बात करवाई थी आपने कुकी जी की? हाँ, वो देखने के बाद जब मैं घर गया था तो मैंने डैड को जो है ट्रेलर दिखाई थी और उन्हें वो बहुत ही भावुक हो गए थे, और मैंने उनसे ये दरखास्त की थी कि आप मेरे निर्देशक जो है उनसे जरा बात करेंगे, वो आपके बहुत बड़े फैन है, और किसी को पता नहीं था, मैंने उनको बीच रात को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया और मैंने बस डैड को फोन थमा दिया, और फिर उनकी गूंजती आवाज में उन्होंने कहा कि कुकी दिस इज अमिताभ बच्चन, और फिर उसके बाद कुकी शायद सुन हो गए, क्योंकि कुछ 10 मिनट बाद जब डैड बोल के खत्म करके उन्होंने मुझे फोन थमा दिया, तो मैंने जब फोन उठा के बोला कि ठीक है सर, हेलो सर, सर हेलो, हाँ क्या हुआ, He had no idea. He said, हुआ क्या है? He said, अमिताभ बच्चन पे ही मैं ऑफ हो गया था उधर ही। जी अभिषेक, शूटिंग के दौरान गोल स्पॉट आपने कितना एंजॉय किया? अरे बहुत एंजॉय किया, बहुत। और इलियाना ये कंप्लेन करती है कि उसको गोल स्पॉट नहीं मिला, निकिता को जितना वो चाहती थी उतना गोल स्पॉट मिला, उसने पिया नहीं, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि इसकी पैदाइश तब हुई थी कि जब गोल स्पॉट था ही नहीं, तो ये समय बड़ी हुई है। खाने के शॉट्स में हुए हैं गोल्ड स्पॉट से ज्यादा। वी हैड वेरी लिमिटेड स्टॉक एंड अभिषेक केप्ट ड्रिंकिंग इट, तो मैं एक पॉइंट पे हम लोग वर्ल्ड हो गए कि भाई ये कुकी बहुत ही जल्द समझ गए थे कि मैं रीटेक इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड स्पॉट और पीनी थी, और उन्होंने कहा कि भैया देखिए स्टॉक बस इतना ही है हमारे पास, तो अभी और मत। ये एक आखिरी सवाल मेरा सब लोगों से है, इलियाना सबसे पहले आपसे, ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है, इस बात का आपको दुख है कि थिएटरिकल रिलीज नहीं हो रही है इस फिल्म की? बिल्कुल नहीं, आई थिंक खुशी है, बिकॉज जो सिचुएशन है अभी, जैसे कि अभिषेक ने कहा ऑलरेडी, इट्स वेरी
difficult, and you can't expect people to go out and watch a film in the theater because safety is of utmost importance right now. So honestly, khushi bahut hai because you can sit at home aram se in the comfort of your house and watch the film, and I think people will really enjoy it. So I'm very, very pleased that this is my first OTT film. जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार. मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी. कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है.